हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान सबसे पहले देखते हैं। ऐसे कार्यों के लिए जो पहले से लगातार जारी हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जो पहले से होते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं और निश्चित एवं अनिश्चित समय दिया रहता है। जी हाँ, निश्चित समय का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, 2 बजे से, जनवरी फरवरी मार्च महीने से, सन 2000 से, सन 2002 से, ये हो गया निश्चित समय। और अनिश्चित समय का मतलब होता है 2 घंटे से, 2 महीने से। अगर 2 महीने का नाम होता तो ये निश्चित समय हो जाता है, लेकिन 2 महीने लिखा है तो ये अनिश्चित समय है। 2 घंटे अगर 2 बजे से होता तो निश्चित समय हो जाता है, लेकिन 2 घंटे से है तो ये अनिश्चित समय है। तो निश्चित और अनिश्चित समय में यही अंतर होता है। निश्चित समय का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय का मतलब होता है समय अवधि। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। दोस्तों, ऊपर के दोनों सेंटेंस में एक अंतर ये है कि पहले वाले सेंटेंस में लिखा है 2 घंटे से तो फॉर लग गया, वहीं दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा है 2 बजे से तो सिंस लग गया। तो निश्चित और अनिश्चित समय में यही अंतर है। तीसरा, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। राम 1 माह से किताब लिख रहा है, राम हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट हैज़ या हैव, हैज़ या हैव के बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, सीता हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। राम 1 माह से किताब नहीं लिख रहा है, राम हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, रमेश हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1997। रमेश 10 साल से यहाँ रह रहा है, रमेश हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। 10 सालों के लिए फॉर लग गया, अनिश्चित साल है, अनिश्चित समय है, और 1997 एक निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा हुआ है। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सबसे शुरू होने वाले वाक्यों के लिए सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं दोस्तों, आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फॉर्मेशन टू क्या कहता है? कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि सब जब वाक्य में आए तब उसके लिए फॉर्मेशन क्या बनेगी? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या वह 2 बजे से खेल रहा है? हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है? हाय सीता बीइंग वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या राम 1 माह से किताब लिख रहा है? हैज राम बीइंग राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। तुम 4 दिन से क्या करते रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 4 डेज। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन वन क्या कहती है? हैज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फॉर्मेशन टू क्या कहती है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। दोस्तों करते क्या है, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या वह 2 बजे से नहीं खेल रहा है? हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock? क्या सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है? हैज़ सीता नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? क्या राम एक माह से किताब नहीं लिख रहा है? हैज़ राम नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ? तुम 4 दिन से क्या नहीं करते रहे हो? वॉट हैव यू नॉट बीन डूइंग फॉर 4 डेज?